वायरस महामारी के चलते प्रधानमंत्री के आदेश के बाद जहां पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके चलते डॉक्टरों के साथ पुलिस विभाग भी अपनी अहम भूमिका इस दौरान निभा रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश भी जगह जगह पर भारी पुलिस बल तैनात है। इंडियन प्राइम न्यूज के संवाददाता ने जब वहां पर तैनात एक पुलिसकर्मी से बात की तो पता चला कि वहां की प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस के जवानों की सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं, नहीं मास्क है और ना ही सैनिटाइजर मुहैया उन्हें कराया गया। ऐसे में ये जवान जो अपनी जान की परवाह किए बिना जगह जगह दिन रात खड़े होकर दूसरों की जान की रक्षा कर रहे हैं, इस महामारी से लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो इनकी जान की रक्षा कौन करेगा? अब हम इंडियन प्राइम न्यूज जाएंगे आगे की ओर। मैं जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कर गए बसर। रिपोर्टिंग जारी है इंडियन प्राइम न्यूज से। यहाँ गाड़ी को वापस जाने की संकेत दे रहे हैं क्योंकि यहाँ 21 दिन का लॉकडाउन पे बिल्कुल मना है, तो इस कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी को वापस जाने के लिए कह दिया है। पूरे पुलिस की गाड़ी ही को इजाज़त, या फिर कुछ लोगों को ही इजाज़त। अच्छा सर, आप लोगों को अरुणाचल सरकार की तरफ से पीपीई के कुछ सामग्री आप लोगों को मिला? कुछ नहीं मिला हम लोग को। ये आपका जो आपका पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होता है पीपीई, उस वो आप लोगों को नहीं मिला सरकार की ओर से? नहीं मिला अभी तक हम लोग को। कोई ग्लोव सैनिटाइजर कुछ नहीं। यहाँ पे कहना है हमारा पुलिस कर्मी जो 24 घंटे यहाँ पे तैनात रहते हैं, उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा मन रहता है कोविड के, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग गुजरते हैं उन लोगों का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद है। मगर बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि हमें सरकार की ओर से कोई पीपी यहाँ पे सामग्री उन लोगों को नहीं दिया। उन लोग अपने ही खर्चे पर वो हैंड ग्लव मास्क जितने भी है वो अपने ही खर्चे पर यहाँ पे उन लोगों ने लिया हुआ है। तो काफ़ी दुख से आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से पीपीई की इक्विपमेंट, जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं, वो अभी तक मिला नहीं। अब हम जाएंगे आगे ओल्ड जीरो बुआ शिमला और दापोरिजो की ओर।